जय हिंद दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की उसी क्रम में आज चलते हैं सेट नंबर 12। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 को किस सीमा तक सीमित करती है, बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो किस सीमा तक, तो 1500 करोड़ तक की सीमा जो है वो सीमित करती है और बाकी का दायित्व जो है भारत सरकार पर डाल देती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, बिहू असम का बिल्कुल लोकनृत्य है, बिल्कुल सही है। घूमर राजस्थान का है, ये भी बिल्कुल सही है। भांगड़ा केरल, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि भांगड़ा जो है वो पंजाब का मेन नृत्य है, ये केरल का नहीं है। इसके अलावा चौथा भी देख लेते हैं, लावड़ी महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। ये सारे लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य मतलब जो उसी क्षेत्र में किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं और लोक नृत्य अलग, जिनका शास्त्र वगैरह में वर्णन हो वो शास्त्रीय नृत्य। तो अगर देखा जाए तो इनमें कौन सा सही है, केवल और केवल तीसरा जो है, यानी ये आपसे बता रहा है जो तीसरा पार्ट है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, तो केवल बी पार्ट ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में प्रथम मेट्रो सेवा, क्या पूछ रहा है, प्रथम मेट्रो सेवा का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ दक्षिण भारत में, आपसे पूछ रहा है तो बेंगलुरु में। अगर वैसे कहा जाए भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा, तो सबको पता होगा कलकत्ता, कहाँ पर, कलकत्ता में पहली मेट्रो चली थी और मेट्रो के जनक श्रीधरन को माना जाता है। किसको, श्रीधरन को। आगे देखते हैं, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है, पेड़ पूछा है, तो आपसे बता दें कि ताड़ का पेड़। अगर जानवर की बात कर दें तो उसमें बाघ है, कौन सा है, बाघ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापना हुई थी, 1935 में, और राष्ट्रीयकरण अगर पूछ दिया जाए तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये याद रखना। और इससे पहले गवर्नर जनरल भी आए थे इससे पहले, तो पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। आगे चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन पर, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पांच नंबर क्वेश्चन आपसे देखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला है, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है, तो सबको पता है रेड क्रॉस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल करती है। इंटरपोल आपको पता होगा इसका मुख्यालय लियोन में है, यानी फ्रांस में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सात नंबर कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद जो है ने किन पुस्तकों के साथ, मतलब इनका संबंध है, तो देखिए सेवा सदन बिल्कुल सही, गबन बिल्कुल सही, रंगभूमि बिल्कुल सही, गार्डनर ये गलत है। तो ये तीनों पुस्तकें इनकी हैं, तो कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है, 1, 2 और 3, तो देखिए डी पार्ट में पूरी तरीके से मिलाया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, लावेर कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है, किससे है, टेनिस से, और जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं उनका भी संबंध टेनिस प्रतियोगिता से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हिडकल परियोजना, कौन सी परियोजना, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है, तो आपको बता दें ये घाट प्रभा नदी पर है, किस नदी पर, घाट प्रभा। अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो ध्यान रखना कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस्पात का चौखटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा किसको दी गई, तो भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को दी गई, और प्रथम ICS पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, कौन थे, सत्येंद्र नाथ
टैगोर, इसको आप अच्छे से ध्यान कर लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान जो है उसकी राजधानी क्या है। तो आपको बता दें उसकी जो राजधानी है वो जुबा है। क्या है? जुबा, यानी 11 का सी पार्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसको सुमेलित करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सुमेलित करना है, तो देखते हैं सुमेलित करते हैं। इसमें से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये ध्यान रखना अमेरिका का, तो कौन सा पार्ट सही, यानी ए का तीसरे से मिलाना। तो देखिए बी और डी दोनों ऑप्शन अभी मिला रहे हैं। आगे भी चलते हैं, कह रहा है कंपास नेविगेशन प्रणाली ये चीन की है, तो बी का चौथा, देखिए बी और डी ऑप्शन जो है अभी भी क्रम से चल रहे हैं। आगे देखते हैं गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली जो है इसको आपको यूरोपीय संघ से मिलाना है। बस यहीं से आपका उत्तर छट गया, कौन सा, बी पार्ट, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कौन सा, बी पार्ट आपका बिल्कुल। और लास्ट बचा ग्लोनास नेविगेशन, तो जाहिर सी बता कौन सा बचा, रूस, तो इस हिसाब से बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो आपको बता दें कि ये सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई द्वारा रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एशिया की पहली भूमिगत, कौन सी, 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है। तो आपको बता दें वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां है। तो आपको बता दें यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। कहां पर है, लग्जमबर्ग में है, यानी 15 का बी पार्ट। 16 क्वेश्चन, तवांग मठ बहुत बार पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ प्रतियोगिता का उत्सव किस भारतीय राज्य में, यानी ये प्रतियोगिता मनाई जाती है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत का युद्ध पानी हरियाणा कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध, कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, क्या कह रहा है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, बी पार्ट बिल्कुल सही है। 20 और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है। तो आपको बता दें इसका मुख्यालय फ्रांस में है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी अगर एक दो बार वीडियो आप इसे और देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।